दिस प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता फ्रॉम लक्ष्य कोचिंग सेंटर जामनगर। आज हम देखेंगे अकाउंट्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि वन लाइनर क्वेश्चंस जो है उसमें आपको एग्जैक्ट आंसर देने हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको उसमें जीरो मार्क भी मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाले हैं कि जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस नहीं थे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है कि जिसके चांसेस यहाँ पे इस एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चंस, और आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी याद रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके कुछ और मार्क्स यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी की, अकाउंटिंग के सेक्शन बी की। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट क्या है? वैसे तो आपको पता ही है, आप फाइंड करते हो, सब प्रोसीजर होती है, लेकिन यहाँ पे आपको जो आंसर देना है वो एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स में आंसर देना है जैसा कि बुक्स में दिया गया है आपको। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट क्या है? मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है, वो आपको 100% उन्हीं वर्ड्स में उसी सीक्वेंस में लिखना है। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इट इज़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपका आना ही चाहिए, ये वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। सो गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं, उनके दो एग्जाम्पल्स देने हैं। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन भी स्टार किया है, आप देख सकते हो, पहले वाला क्वेश्चन भी स्टार किया हुआ क्वेश्चन था। तो हम यहाँ पे कुछ 25 क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें से स्टार किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बोलते हो वही है वो। तो गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो फर्स्ट सच एग्जाम्पल इज़ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, मतलब कि कंपनीज जो भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में पैसा लगाती है, जैसे कि शाहरुख खान को रिक्रूट कर लिया या फिर अमिताभ बच्चन को रिक्रूट कर लिया कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो उसका जो पूरा कैंपेन होगा, वो जो एक डेढ़ महीने तक कैंपेन चलेगा, उसका एक्सपेंस जो है वो है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड सेकेंड इज़ रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी क्या है? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये दोनों एक्सपेंडिचर आपको याद रखने हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, या वो एक्सपेंस क्या है कि जो भी कंपनी रिसर्च करने के लिए एक्सपेंस लगाती है, जैसे कि फार्मा कंपनीज होती है, तो वहाँ पे कोई भी मेडिसिन का इन्वेंशन करने के लिए, कुछ भी डिजीज़ का सॉल्यूशन करने के लिए वो लोग रिसर्च करते हैं कि इससे, इस मेडिसिन से वो कोई पर्टिकुलर डिजीज़ क्योर होता है या नहीं। तो कई सालों तक रिसर्च चलता है और फिर जाके उसका शायद रिजल्ट मिल सकता है या फिर ना भी मिले। तो वो जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो साइंटिस्ट जो भी रिसर्च कर रहे होंगे उनको जो भी सैलरीज जाएगी या जो भी एक्सपेंस होगा, वो होगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे दो एक्सपेंस आए, एक है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सचेंज एक्सपेंस एंड सेकंड वन इज़ रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है? इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, पहले तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कहाँ पे आएगा? इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, की जो अभी पार्टनरशिप फॉर्म है, जो पार्टनरशिप फॉर्म अभी एग्जिस्ट कर रही है उसमें। सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज़ अ डिफरेंस, यहाँ पे वर्ड डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना ही लिखना है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर्स हु हैव सेक्रीफाइज्ड। तो ये क्या है? पहले तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो एक डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? ओल्ड शेयर और नए शेयर का, ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। तो मतलब प्रॉफिट का जो शेयर है उसका, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर जो है उसका डिफरेंस जो है वो है सेक्रीफाइजिंग रेशियो, और ये कहाँ पे होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। तो मैं फिर से आपको ये आंसर बता दूँ, तो क्या होगा? इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ वन और मोर पार्टनर्स वो हैव सेक्रीफाइज्ड, मतलब कि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो ये जो है वो हो गया डेफिनेशन ऑफ द सेक्रीफाइजिंग रेशियो। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेटेड। अभी ये थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, तो देखते हैं। एज पर द मैथमेटिकल मेथड
सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. तो प्रॉफिट शेयर का जो डिफरेंस है वही क्या है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो. हमने अभी अभी देखा कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन ओल्ड प्रॉफिट शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयर इज कॉल्ड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू क्लोज द बुक्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म. मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म जब भी डिसॉल्व होगी या जब भी पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म होगी तो तब कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाएंगे. चलिए फ्रेंड्स तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू क्लोज द बुक्स. तो मतलब कि बुक्स जो है वो क्लोज करनी है क्योंकि जो बिजनेस है वो ख़त्म कर रहे हैं उसको बंद कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है रियलाइजेशन अकाउंट, हमको पता है बिकॉज वी ऑलरेडी डू इट इन द सम्स. सेकंड इज पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ़ एनी. मतलब अगर पार्टनर ने लोन ले रखी है या फिर लोन दी हुई है कंपनी को तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी जो है इंक्लूड होगा इसमें. सेकंड वन इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. थर्ड वन हियर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट भी इंक्लूड हो जाएंगे. एंड लास्ट वन इज कैश एंड बैंक अकाउंट. तो ये सारे अकाउंट जो है वो इंक्लूड होंगे. हम बनाते हैं चैप्टर्स के समय आपने ऑलरेडी किए हुए हैं तो आपको पता ही है. तो ये सारे अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं जब भी जो फॉर्म है वो डिसोल्यूट होता है या उसका डिसोल्यूशन किया जाता है, बिजनेस को बंद किया जाता है परमानेंटली, तब ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं. वैसे यहाँ पे मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए हैं. एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोले कि कोई भी दो एग्जांपल दे के बताइए कि कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे. तो आप चार में से कोई भी दो याद रखेंगे तो भी चलेगा. अगर दो पूछते हैं तो आप दो ही लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है. तो यहाँ पे एक बार रिवाइज़ करने के लिए मैं फिर से बता दूँ आपको. एक है रियलाइजेशन अकाउंट, एक है पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ़ एनी, मतलब अगर लोन है तो. थर्ड इज़ पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट. एंड लास्ट वन इज़ द कैश एंड बैंक अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट. तो ये चार अकाउंट्स जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म जब भी होगी तब बनाने पड़ेंगे. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, वेयर कैन दिस रिजर्व नॉट बी यूटिलाइज्ड. मतलब कि कैपिटल रिजर्व क्या है और कैपिटल रिजर्व को कब यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, उसको कब यूज़ नहीं किया जा सकता. वैसे फ्रेंड्स ये तो 11th का क्वेश्चन है लेकिन ये भी 12th में रिपीट हो रहा है. कई कई बार अकाउंट के कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि जो 11th से जाके 12th तक आपको काम आते हैं. तो देखते हैं चलिए कैपिटल रिजर्व क्या है. कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. मतलब कि कैपिटल प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है, मतलब कि कैपिटल प्रॉफिट जो आप बना रहे हो उसमें से आप जो भी रिजर्व इकट्ठे करते हो, जैसे कि कैपिटल रिजर्व जो है या कैपिटल प्रॉफिट जो है आपका वो 10 करोड़ का है, उसमें से आपने कुछ 2 करोड़ रिजर्व करके रख दिए तो उसको बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो आपने किस में से निकाले हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से. तो कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. ओके, दिस रिजर्व्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. तो वो डिविडेंड देने के लिए ये रिजर्व्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये जो है वो कौन से हैं, कैपिटल रिजर्व है. कैपिटल रिजर्व कैसे बनते हैं, आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट. तो ये रिजर्व्स जो हैं वो डिविडेंड देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते या उसको डिविडेंड के तौर पे दिया नहीं जा सकता. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच हेड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में एक अकाउंट आता है जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. तो हमको पता ही है शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है. तो जब भी प्रीमियम होता है, मतलब कि जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है तो वो अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम, जब भी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट किया जाता है तब. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है वो कहाँ पर आएगा बैलेंस शीट में. तो इट इज़ शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो ये पहले तो कौन सी साइड पे आएगा, वो आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपको वापस दे देनी पड़ेगी. अगर इन्वेस्टर चाहते हैं कि उसका शेयर कंपनी में ना रहे तो वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर्स शेयर परचेस करते हैं तो वो पैसा देते हैं और कंपनी जो है उनको शेयर देती है, मतलब कि पार्टनरशिप देती है. तो इसीलिए वो क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी.
क्योंकि वो इक्विटी शेयर भी हो सकता है या प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट में, तो इट इज़ कमिंग अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और कौन से हेड के नीचे आएगा वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वो आएगा रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द करंट रेशियो चेंज व्हेन करंट एसेट्स इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी रिमेन अनचेंज्ड। तो क्या होता है यहाँ पे कि करंट रेशियो क्या होगा, क्या करंट रेशियो चेंज होगा कब, जब भी करंट असेट जो है वो इंक्रीज होते हैं लेकिन करंट लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होती है या डिक्रीज भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स आपको पहले तो इक्वेशन जो है वो मालूम होना चाहिए कि करंट रेशियो का इक्वेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं करंट रेशियो मतलब क्या हुआ, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये जो है वो रेशियो है कौन सा, करंट रेशियो, मतलब कि करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, मतलब कि जो ऊपर है न्यूमरेटर में क्या आता है, करंट असेट्स। तो अगर करंट असेट्स आप इंक्रीज करोगे तो सीधी सी बात है करंट रेशियो भी इंक्रीज होगा, और लायबिलिटी अनचेंज रही तो करंट रेशियो इंक्रीज ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि करंट एसेट अगर इंक्रीज होते हैं कि जो न्यूमरेटर में है ऊपर की वैल्यू है और नीचे की वैल्यू अगर सेम रहती है तो ओवरऑल करंट रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा करंट रेशियो विल इंक्रीज। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अगर करंट रेशियो है वो है 12/5, फॉर एग्जाम्पल वो 12/5 है, तो 12 किसकी वैल्यू है, करंट एसेट्स की, और 5 किसकी वैल्यू है, करंट लायबिलिटी की। अभी मैं 12 के बदले 22 कर देता हूँ तो वो हो गया 22/5, मतलब कि करंट एसेट जो है वो इंक्रीज हुए लेकिन लायबिलिटी जो है वो 5 रही सेम। तो क्या हुआ ओवरऑल, हमारा जो ओवरऑल रेशियो है वो हो जाएगा इंक्रीज, क्योंकि पहले कितना था 12/5, अभी कितना हो गया 22/5, तो मतलब कि वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब कि करंट असेट रेशियो, मतलब कि करंट रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द करंट एसेट। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको पूछ लिया कि करंट रेशियो में क्या चेंज आएगा अगर करंट असेट जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, बट करंट लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि 12/5 हमने अभी रेशियो लिया है, जो एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो 12/5 जो है वो अभी रेशियो है, मतलब कि करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, करंट एसेट 12 है, करंट लायबिलिटी 5 है। तो फिर अगर हम लायबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, जैसे 5 का मैंने बना दिया 50, तो अभी नया रेशियो हमारा क्या आ गया, 12/50, तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई और एसेट अगर इंक्रीज़ नहीं होते हैं तो क्या होगा, ओवरऑल जो रेशियो है वो हमारा नीचे चला जाएगा, मतलब कि वो डिक्रीज़ होगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही मगअप नहीं करना है, पूरा का पूरा चीज़ समझ के आपको याद रखना है, और वही हम कॉन्स्टेंटली करवाते हैं लक्ष्य में, ताकि आप को कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे या कोई भी चीज़ आपको घुमा फिरा के पूछते हैं तो भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट ही आएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वन, अभी ये स्टार क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, व्हाट आर इंडिकेटेड बाय हाई डेप्टर्स टर्नओवर एंड लोअर डेप्टर्स टर्नओवर। तो ये भी एक रेशियो का पार्ट है, फाइनेंशियल रेशियोज़ का ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड्स कि हाई डेप्टर्स टर्नओवर का मतलब क्या है और लोअर डेप्टर्स टर्नओवर का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं, हाई डेप्टर्स टर्नओवर शोज हायर कलेक्शन एफिशिएंसी व्हाइल लोअर डेप्टर्स टर्नओवर शोज लोअर कलेक्शन एफिशिएंसी। तो पहले तो देख लेते हैं कि डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है। डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि जब भी आपका ये टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या है कि आपके जो डेप्टर्स हैं, मतलब जिनसे हमको पैसे लेने हैं, जिनसे आपको पैसे लेने हैं, उनका टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। उसका मतलब कि आज मिस्टर ए या मिस्टर बी से मुझे पैसे लेने थे लेकिन कल मुझे मिस्टर सी और मिस्टर डी से पैसे लेने हैं, तो वो लोग जल्दी जल्दी बदल रहे हैं मेरी कंपनी में। उसका मतलब क्या है कि जिससे भी मुझे पेमेंट लेना है वो मुझे जल्दी जल्दी पेमेंट दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हाई कलेक्शन एफिशिएंसी, क्योंकि वो हाई डेप्टर्स टर्नओवर है, मतलब कि हमारे डेप्टर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली। जिसने हमसे लोन ली है वो हमको जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो जिसको भी हमको पैसा देना है वो हमको जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, और उसका मतलब हुआ कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है हमारी कंपनी की वो भी ज़्यादा है। उसके बदले अगर रिवर्स में हम जाएँ कि लोअर डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो क्या है,
तो अगर मुझे मिस्टर ए और मिस्टर बी से पैसे लेने हैं और 6 महीने तक वही मेरे डेप्टर्स रहते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो मेरा कम है। टर्नओवर मतलब कि बदलना, और डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो कम है उसका मतलब ये हो गया कि मेरी कलेक्शन कैपेसिटी जो है या कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो भी कितनी है, लो है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि हायर डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो मींस हायर कलेक्शन एफिशिएंसी एंड लोअर डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो मींस लोअर कलेक्शन एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मगअप बिल्कुल नहीं करना है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे हम लक्ष्य में हमेशा करते हैं। तो आपको पूरा का पूरा चीज़ समझना है और उसी के बाद आपको आंसर देना है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसा रट लेते हैं कि अगर इंक्रीज़ दिया है तो डिक्रीज़ लिखना है, डिक्रीज़ दिया है तो इंक्रीज़ लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी क्वेश्चन चेंज करेंगे तो आपका आंसर चेंज होना ही होना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि फिर से एक स्टार क्वेश्चन ही यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। गिव इल्यूस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन फ्रॉम वेयर टू एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके स्कूल में या प्रीलिम में ये पक्का आया होगा, क्वेश्चन पूछा गया होगा और हो सकता है कि आपने आंसर सही भी किया हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है कि जहाँ पे दो एक्टिविटीज़ एक साथ चालू रहती है या दो एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती है एक साथ। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। पेमेंट टूवर्ड्स इंस्टॉलमेंट ऑफ हायर परचेज। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, हायर परचेज पे कुछ लिया है, मतलब कि कुछ रेंट पे कुछ लिया है हमने, तो उसका जो पेमेंट हम करते हैं उसमें दो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो कैसे दो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, पेमेंट टूवर्ड प्रिंसिपल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वाइल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे कि हमने कुछ भी हायर परचेस के ऊपर लिया हुआ है उसका मतलब कि हम लोग कुछ इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, एवरी मंथ हम कुछ चीज़ें पे कर रहे हैं। तो जब भी ये पेमेंट होता है जिसको बोलते हैं ईएमआई, मतलब कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो जैसे लोन का ईएमआई आता है, आपको पता होगा ईएमआई, शायद मूवी भी आपने देखा हो। तो लोन जो है जब भी पेमेंट होता है तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ता है। जैसे कि मैंने किसी को 10,000 रुपये का लोन दिया और अभी वो बंदा मुझे पेमेंट कर रहा है, एवरी मंथ 1,000 रुपये पेमेंट कर रहा है, तो वो 1,000 रुपये जो वो मुझे पेमेंट कर रहा है उसमें 10,000 रुपये का भी कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट इंटरेस्ट का भी है। तो मतलब कि वो दोनों मुझे पे कर रहा है, इंटरेस्ट भी कुछ पार्ट पे कर रहा है और वो प्रिंसिपल भी कुछ पार्ट पे कर रहा है। तो जब भी आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको बता देगी कि आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो अभी और प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर रहे हो, क्योंकि आपको जो है वो दोनों पे करना है, तभी टोटल जो है लोन आपकी ख़त्म होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी हायर परचेस के ऊपर लिया है हमने कुछ भी, उसका हम पेमेंट करते हैं, तो क्या होगा कि जब भी हम प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट हमारा, बट जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट उसके साथ होता है ऑटोमेटिकली वो कौन सी एक्टिविटी हो गई हमारी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे पेइंग इंस्टॉलमेंट ऑफ द हायर परचेज, ये जो है वो एक ही चीज़ हुई, एक ही ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन उसमें दो एक्टिविटीज़ हुई। कौन कौन सी दो एक्टिविटीज़ हुई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर कुछ जल्दी गया है तो आप फिर से थोड़ा वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं, आपको पक्का समझ में आएगा, आई एम वेरी श्योर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ असेट इज़ गुडविल। तो गुडविल जो है वो कौन सा टाइप का एसेट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट विच शोज़ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। तो गुडविल कौन सा एसेट है फ्रेंड्स, कौन सा टाइप का एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि उसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलूं कि लक्ष्य की गुडविल बहुत ही ज़्यादा है जामनगर में, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गुडविल है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि 82% है या फिर 83% है। तो गुडविल कौन सा एसेट है फ्रेंड्स, इनटेंजिबल एसेट। तो गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट, वो कहाँ पे यूज़ होता है, क्या दिखाता है वो, विच शोज़ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। तो गुडविल जो है वो इनटेंजिबल एसेट है, वो क्या दिखाता है, फर्म की रेपुटेशन मार्केट में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स चेंजेस इन द पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीज़न। तो पार्टनरशिप में कई बार कई सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोई नया पार्टनर ऐड हो गया, जैसे कि कोई पुराना पार्टनर जो है वो निकल गया,
तो जब भी ये चेंज होता है तो पार्टनरशिप की जो टर्म्स है वो क्या होती है, रिकंस्ट्रक्ट होती है, क्योंकि फिर कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कुछ और कैपिटल लेके आएगा, या पुराना पार्टनर जा रहा है तो उसको भी कुछ पेमेंट करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि रिकंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, मतलब कि चेंजेस इन द पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजंस। तो चेंजेस इन द पार्टनरशिप होता है, जब भी कोई चेंज इन द पार्टनरशिप होता है तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड्स 100% लिखने हैं फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं चेंजेस इन पार्टनरशिप। ये आप नहीं लिखते और अपनी तरह से कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर पूरा भी गलत दे दे और आपको कोई भी मार्क ना मिले। इसलिए मैं आपको रिपीटेडली बोलता हूँ कि आपके लिए 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये स्टार वाला क्वेश्चन हो गया तो ये मोस्ट एमपी वाला क्वेश्चन है। चलिए लेट्स सी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है या आपको क्या फाइन करना है। हाउ इज़ न्यू पार्टनर एडमिटेड इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप में नया पार्टनर कब एडमिट हो सकता है या कैसे एडमिट हो सकता है, चलिए देखते हैं। एज़ पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पहले तो आपको ये चीज़ लिखनी है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके प्रोविजन के साथ ही, या प्रोविजन के टर्म्स के अकॉर्डिंगली ही नया पार्टनर जो है वो ऐड हो सकता है, या फिर कैसे होगा, और विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। कंसेंट मतलब कि अलाउ करना दूसरी पार्टी को या दूसरे पार्टनर को कि हाँ आप तीसरा पार्टनर भी ला सकते हो। कंसेंट मतलब वही सिचुएशन में वही चीज़ समझना कि जो बोली गई है। जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन या ये वीडियो बता रहा हूँ तो आपको मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप करेक्ट समझते हो तो उसका मतलब कि आपको कंसेंट करेक्ट है, आपका कंसेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ देखनी है, नया पार्टनर एडमिट कैसे हो सकता है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पहले किया गया है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंगली एडमिट हो सकता है, और अगर प्रोविजन नहीं है मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप जब बनाते हो कंपनी स्टार्ट करने के टाइम तब एग्रीमेंट में नए पार्टनर की कुछ डिटेल नहीं दी है या कुछ प्रोविजन नहीं बनाए हैं, और अगर सभी पार्टनर्स जो हैं वो अग्री करते हैं कि जी हाँ नया पार्टनर लाया जा सकता है, तो विथ कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। तो मैंने जैसे बताया कि दो चीज़ें, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द करंट पार्टनरशिप फर्म। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं कंसेंट। तो कंसेंट वर्ड आपको लिखना ही लिखना है विदाउट डाउट। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या है। सो एज़ पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हेन ऑल पार्टनर्स गेट सेपरेटेड थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म दैट ब्रिंग्स एंड ऑफ देयर पार्टनरशिप, इट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन फर्म। तो यहाँ पे भी दो चीज़ है कि जो आपको लिखनी ही लिखनी है। एक चीज़ है वो है सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये किसके अकॉर्डिंगली है, ये जो रूल है वो कैसे डिसाइड हुआ है, वो डिसाइड हुआ है एज़ पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 39 है वो क्या बोलता है कि जब भी पार्टनर सेपरेट होते हैं और फर्म बंद होती है, मतलब कि फर्म जो है वो क्लोज होती है, बिजनेस जो है वो ख़त्म होता है, और वो क्या करता है दैट ब्रिंग्स एंड ऑफ देयर पार्टनरशिप। तो वो पार्टनरशिप का जब एंड आ जाता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो दूसरी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है आपको लिखनी ही लिखनी है वो है एंड ऑफ देयर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो है वो एंड होनी चाहिए और जो डिसोल्यूशन है वो किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, एज़ पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 39 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और जो पार्टनरशिप है वो क्या होनी चाहिए, परमानेंटली एंड हो जानी चाहिए या परमानेंटली जो है वो क्लोज होनी चाहिए, तभी बोला जाएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज डन, इट इज़ कंप्लीटेड। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट मींस दैट द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस ऑन ए परमानेंट बेसिस। मैंने जैसे आपको अभी अभी बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है वो कैसे क्लोज होगा, इट विल बी क्लोज्ड ऑन द परमानेंट बेसिस। चलिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर फॉरफीचर, व्हाट इफेक्ट्स फॉर इट इज ऑन द मेंबर्स। तो शेयर फॉरफीचर क्या है फ्रेंड्स,
और शेयर फॉर फीचर की इफ़ेक्ट जो है वो मेंबर्स पे क्या होती है या उसके शेयर मेंबर्स पे क्या होती है। चलिए देखते हैं। ए प्रोसेस ऑफ फॉर फीचर और कैंसलेशन ऑफ द शेयर्स बाई डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ द शेयर्स। फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जामिनेशन में और स्टूडेंट्स लिखते हैं कि कैंसलेशन ऑफ द शेयर इज़ डन, दैट इज़ कॉल्ड फॉर फीचर, अपनी लैंग्वेज में लिखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको लिखनी है। फॉर फीचर और कैंसलेशन इज़ बाई द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज़ कॉल्ड फॉर फीचर ऑफ द शेयर। जैसे कि आपके पास कोई शेयर है या फिर आपके पास कोई शेयर सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट आपसे टूट गया या कुछ फट गया या खो गया कहीं पे, तो उसको शेयर फॉर फीचर नहीं कहते हैं। अगर डायरेक्टर जो है वो कंपनी का, वो अगर कैंसिल करता है शेयर, तो उसी को शेयर फॉर फीचर या शेयर कैंसिलेशन बोला जाता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि वो क्या है। पहले तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ फॉर फीचर और कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स बाई डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड द फोर फीचर्स ऑफ द शेयर। तो डायरेक्टर जो है वो कैंसिल करता है शेयर्स, उसी को बोला जाएगा फोर फीचर ऑफ द शेयर्स। ड्यू टू फोर फीचर ऑफ शेयर्स द नेम ऑफ शेयर होल्डर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। मतलब कि मेंबर्स का जो रजिस्टर है कंपनी के पास, उसमें से उस शेयर होल्डर का नाम जो है वो निकल जाएगा। सो ड्यू टू फोर फीचर ऑफ शेयर्स द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव्ड। तो ये जो है वही इफेक्ट आती है उसके मेंबर के ऊपर। तो जो शेयर होल्डर होगा उसका नाम जो है वो रिमूव हो जाएगा जब भी जो है शेयर कैंसिल होता है बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 फॉर व्हाट ड्यूरेशन कैन ए कंपनी इश्यू द डिबेंचर। तो कंपनी जो है वो डिबेंचर इश्यू कितने टाइम के लिए कर सकती है। सो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, no company is allowed to issue the debenture which is having the maturity date of more than 10 years from the date of issue। मतलब कि 10 साल से ज़्यादा के debenture कोई भी कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कि जिसके लिए वो डिबेंचर इश्यू कर सकती है वो है 10 years, मतलब कि 10 साल। सो नो कंपनी इज अलाउड टू इश्यू द डिबेंचर ऑफ मेच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 years। मतलब कि कोई भी कंपनी 10 years से ज़्यादा के डिबेंचर इश्यू करने के लिए अलाउड नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखते हैं क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें हमको क्या मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कुछ रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर रीअरेंज्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के बाद क्या होता है, उनको रीअरेंज किया जाता है हमारे फॉर्मेट में, जैसे ही हमको चाहिए वैसे उसको लिया जाता है, उसको रीअरेंज किया जाता है इन सच ए वे दैट दे बिकम कंपेरेबल। मतलब कि उन स्टेटमेंट्स को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कंपेयर कर सको आप दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को आप कंपेयर कर सको। तो ये जो कंपेरिजन की बात है, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो है वो डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपेरिजन। तो ये कंपेरिजन जो है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। देखिए अभी मैं आपको पहले से समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ इन्फॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स। वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड और प्रिपरेशन इज़ डन, दे आर रीअरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे आर कंपेरेबल। उनको ऐसे रीअरेंज किया जाता है कि जिससे कंपेयर हो सके। उसके बाद क्या होता है, द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन ए कंपेरेबल फॉर्म। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं फ्रेंड्स कि रिलायंस है और TCS कंपनी है, दोनों के जो है वो ईयरली रिजल्ट आए हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं। अभी दोनों का प्रॉफिट मुझे पता है, लेकिन मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा कि जिस कंपनी में नेट प्रॉफिट ज़्यादा मिला है, मैं शायद उसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, अपने मनी जो है अपने पैसे जो है उसी कंपनी में लगाऊं। तो दोनों के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दोनों के पास अपने बैलेंस शीट है कि जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन दे बिकम कंपेरेबल, शेयर होल्डर्स विल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन दिस कंपेरिजन। तो जब भी ये कंपेरिजन के बेसिस पे शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो डिसीजन लेते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस जो है उसको बोला जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस। मतलब कि कोई भी इन्वेस्टर को कहीं पे भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे,
उसको दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपनी के दो या तीन रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाए, जैसे कि रिलायंस के रिजल्ट हैं वो 2020 में कितने हैं, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, 2019 में नेट प्रॉफिट कितना था, 2018 में नेट प्रॉफिट कितना था, इन सब को कंपेयर करके भी फाइनेंशियल एनालिसिस हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन आ गया हमारा, मतलब कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड क्या है, तो ये मैंने दोनों टाइप पे लिखा है, यहाँ पे एक इक्वेशन से भी लिखा है और वर्ड्स में भी लिखा है, वैसे दोनों चीज़ सेम ही है। तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये तीनों का जो टोटल है वो होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। इसमें से आप डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल भी माइनस कर सकते हैं अगर कुछ डेबिट है तो, वरना आप यही आंसर लिखेंगे तो भी वो परफेक्ट ही है। मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो जो है वो क्या इंडिकेट करता है। सो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो कैन बी एसर्टेन्ड दैट आउट ऑफ टोटल एसेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट इज एक्वायर्ड थ्रू डेब्ट्स। तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो जो है उसका इक्वेशन भी आपको पता है, उसमें टोटल एसेट और डेब्ट आते हैं। तो हमको देखना है कि जितने भी टोटल एसेट्स कंपनी के हैं, कंपनी के पास जितने भी एसेट इकट्ठा किए हुए हैं, परचेस किए हुए हैं, उन एसेट्स में से कितने ऐसे एसेट्स हैं कि जो डेब्ट करके लिए गए हैं, मतलब कि कोई लोन करके लिए गए हैं या वैसा ही कुछ फाइनेंशियल बर्डन कंपनी के ऊपर लेके लिए गए हैं। तो जो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो है वो दिखाता है कि आउट ऑफ द टोटल एसेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द एसेट इज एक्वायर्ड थ्रू द डेब्ट्स। तो ये जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि कंपनी के पास जितने भी असेट्स है उन असेट्स में से जो कितने परसेंट एसेट्स जो है वो डेब्ट के ऊपर परचेस किए गए हैं, मतलब कि लोन लेके परचेस किए गए हों कि जिसका पेमेंट बाकी हो, ऐसे कितने एसेट्स हैं। तो ये होता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एक्टिविटी पेड इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड अंडर राइटिंग कमीशन आर कंसिडर्ड। तो ये सभी कौन सी एक्टिविटीज़ है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा आई एम श्योर, ये सभी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। वैसे ये क्वेश्चन आपको रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है, दैट गिव एनी थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या, इंटरेस्ट पे होता है, डिविडेंड पे होता है या फिर अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो होता है। तो ये तीनों जो चीज़ है वो कौन सी एक्टिविटी हो गई फ्रेंड्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेड गुडविल इज शोन ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के बैलेंस शीट में गुडविल जो है वो कौन से हेड के नीचे आता है। तो आंसर देखते हैं, गुडविल इज शोन ऑन द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स एज इंटेंजिबल एसेट। हमने पहले ही देखा है, हमने क्वेश्चन देखा था कि गुडविल जो है वो कौन से टाइप का एसेट है, तभी हमने डिस्कस किया था कि गुडविल इज़ द इनटेंजिबल टाइप ऑफ एसेट और ये कौन सा एसेट है, नॉन करंट एसेट। तो वो कौन से हेड के नीचे आएगा, नॉन करंट एसेट्स एज द टेंजिबल एसेट्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए नेगेटिव सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए पार्टनर इंडिकेट। मतलब कि अगर नेगेटिव सेक्रीफाइसिंग रेशियो है किसी पार्टनर का तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्या दिखाता है। तो नेगेटिव सेक्रीफाइसिंग रेशियो इंडिकेट्स दैट पार्टनर हैज़ नॉट सेक्रीफाइज्ड एनीथिंग बट हैज़ गेन्ड। नेगेटिव सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसका मतलब क्या है कि पार्टनर ने कुछ सेक्रीफाइस प्रॉफिट का नहीं किया है बट पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। आपको पता ही है जब भी आप पार्टनरशिप में कुछ चेंज करते हैं, मतलब कि कोई पार्टनर एंटर होता है या एग्जिट होता है, आप जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं कुछ बार, कई बार ऐसा होता है कि वो नेगेटिव में आता है। तो उसका मतलब क्या है कि पार्टनर ने कुछ सेक्रीफाइस अपना नहीं किया है, कुछ प्रॉफिट सेक्रीफाइस नहीं किया है बट उसने क्या किया है, गेन किया है फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ
एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ गई, इजंट इट? आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही सर बोल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम लक्ष्य में एक एक चीज़ बहुत ही माइनर माइनर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा, ऐसे ही करूँगा। तो पहले तो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऐसा स्टेटमेंट है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। कब देता है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब कि अकाउंटिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद देता है। कौन से टाइम के लिए देता है? फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो ऐसे बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? वो इन्फॉर्मेशन देता है, इन ब्रीफ देता है। एक ही पेज में आप पूरी बैलेंस शीट देख सकते हो, मतलब कि इन ब्रीफ जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी हो गई, आपने पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लिया, सभी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, पार्टनर्स कैपिटल सभी चीज़ कैलकुलेट हो गई, उसके बाद मतलब कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। और किसके लिए होता है? फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि जैसे आप बोल सकते हो कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, मतलब कि एक साल के अकाउंटिंग पीरियड के लिए ये हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिला के बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द स्टेटमेंट प्रिपेयरिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला अकाउंट इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ, मतलब कि एक ही पेज में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बैलेंस शीट वगैरह। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर ए लिमिटेड अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सभी चीज़ें जो है वो आपको इंक्लूड करनी है आंसर में, ताकि आपको 100% मार्क मिले, मतलब कि आपको एक मार्क इसका पूरा मिले। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म को डिसोल्यूट करना है आपको, मतलब कि कैंसिल करना है, तो कौन सी दो मेथड हैं? ये आपको पता ही होगा फ्रेंड्स। वन इज़ नॉर्मल डिसोल्यूशन, कि जहाँ पे सभी पार्टनर्स एग्री होते हैं कि यस हम पार्टनरशिप जो है उसको डिसोल्व करते हैं, हम जो बिजनेस है उसको परमानेंटली बंद करते हैं। और सेकंड है वो है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, मतलब कि पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया और फिर कोर्ट में केस हो गया। तो जब भी कोर्ट बताएगी कि आप ये बिज़नेस बंद कर दो, तो जो है पार्टनर्स जो है वो बिज़नेस बंद कर देंगे। तो ये दो चीज़ हैं जैसे कि आप डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो। वन इज़ नॉर्मल डिसोल्यूशन, सेकेंड वन इज़ डिसोल्यूशन बाई द कोर्ट। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अभी ये लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए। मेंशन द टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेस्ड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि अपने एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे आप टाइप ऑफ कंपनीज जो है उसको क्लासीफाई करें या उसका टाइप बताएं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेचुटरी कंपनीज और कॉरपोरेशंस, एंड सेकंड वन इज़ द रजिस्टर्ड कंपनीज, मतलब कि कंपनी कैसे एस्टेब्लिश होती है उसके ऊपर से कंपनी के ये टाइप्स मेंशन किए गए हैं। वन इज़ रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब कि जिनको रजिस्टर किया गया है, और वन इज़ स्टेचुटरी कंपनी और कॉरपोरेशंस। तो ये जो है फ्रेंड्स दो टाइप की कंपनीज हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आ सकता है आपकी एग्ज़ाम में, इसमें भी आपको एग्जैक्ट करेक्ट नाम ही लिखने हैं, आप कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पे, अपने हिसाब से यहाँ पे जो है आंसर नहीं दे सकते फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर गौरव मेहता टुडे। तो फ्रेंड्स अभी आप अगर चाहते हैं कि आपके पास ऐसे और वीडियोस हों, तो आप लक्ष्य में आ सकते हैं और यहाँ पे हमारे वीडियो सेशंस अटेंड कर सकते हैं। वीडियो सेशंस जो है वो कुछ हम फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको वीडियो दिया नहीं जाएगा, आप वहाँ पे आके वीडियो सेशन बुक कर सकते हैं या वीडियो सेशन सुन सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो अभी आप मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिए और बिल्कुल अपना स्लॉट बुक कर लीजिए कि आपको वीडियो सेशंस अटेंड करने हैं। मैंने ऐसे 120 क्वेश्चंस बनाए हैं जो अकाउंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अकाउंट में 100% मार्क आए, तो उसके लिए सेक्शन बी में आपको मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। और सेक्शन बी में मार्क्स लेने हैं तो आप जो है मेरा 2 या 3 घंटे का जो वीडियो सेशन है वो फ्री में अटेंड कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉल लगाना है और मुझे बताना है और आपका स्लॉट बुक करना है कि मुझे इस स्लॉट में आना है और आपके वीडियो सेशन अटेंड करने हैं सर, तो सब कुछ हो जाएगा। ये जामनगर के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, दैट्स इट फ्रॉम गौरव मेहता टुडे।